नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं हम लोगों का खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। धर्म के आधार पर राजनीति, बहस, तनाव या फिर युद्ध, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे दुनिया में पिछले कुछ दशकों से खास तौर से कॉन्फ्लिक्ट्स धर्म के बेसिस पर बिल्कुल रूटीन हो गए हैं। हिंदुस्तान जैसे देशों में सोशल आइडेंटिटी तय करते समय रिलीजियस लेबल की प्राइमेसी एस्टैब्लिश हो गई है। 9/11 की घटनाओं के बाद से जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ दुनिया भर में, उसका एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस कैरेक्टर था। इस्लामोफोबिया अब दुनिया में एक तरह से एक्सेप्टेड फिनोमिनन है। धार्मिक स्थलों के चरित्र में परिवर्तन, इससे पूरे दुनिया में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब हिंदुस्तान की ही बात देखिए, बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश हुआ था, उसके बाद दुनिया भर में कई देशों में बहुत किस्म के अलग अलग हिंसा की घटनाएं हुई थी, लेकिन हमेशा रिएक्शन इस तरह से डायरेक्ट नहीं होता है। इसका कारण यह होता है कि कभी कभी डेवलपमेंट्स बहुत मल्टीलेयर्ड होते हैं, इसी वजह से सिंगुलर रिस्पॉन्स या एक तरह का रिएक्शन दे पाना या हो पाना समाज में बहुत मुश्किल होता है। पिछले दिनों तुर्की प्रेसिडेंट रेजेप तैयिप एर्दोगान का हैया सोफिया पर जो फैसला आया था, इसी बात का एक उदाहरण है। इसका इंपैक्ट जो है क्रॉस कॉन्टिनेंटल होगा। हिंदुस्तान में भी इसका रिएक्शन देखने को आ रहा है। और ये डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इतिहास में ऐसे नेता हमेशा आते हैं बार बार, जिन्होंने राष्ट्र के कमान अपनी आस्था और संस्कृति के बेसिस पर एस्टैब्लिश की है। वे ये भूल जाते हैं कि इंसान ऑटोमेटेड रोबो नहीं होते हैं कि उनको असेंबली लाइन में खड़ा कर दें और हर एक कोई एक ही तरह से सिंगुलरली सोचता रहेगा। इतिहास की घड़ी को बार बार पीछे घुमाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अक्सर देखा गया है, खास तौर से मल्टीकल्चरल देशों में या फिर वहां जहां एक से ज्यादा फेथ पनपते हैं या फिर रिलीजियस प्लुरालिटी का ट्रेडिशन रहा है। हैया सोफिया की कहानी के दो कालखंड स्पष्ट हैं। एक वो वास्तविकता या स्टेटस जो 1935 से चला आ रहा है और अब बदल गया है। 85 साल के बाद वहां से आजान की आवाज अब गूंज रही है। दूसरे युग की कहानी की शुरुआत होती है 6th century AD में, या फिर उससे भी 300 साल पहले। इस कथा में ड्रामेटिक टर्न 15th सेंचुरी के मिडिल ईयर्स में आया था। इसके बाद इस धार्मिक स्थल का स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जब तक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की के प्रेसिडेंट 1923 में नहीं बने थे। उसके बाद अपने 15 साल के टेन्योर में उन्होंने टर्की के समाज में बहुत सारे बदलाव लाए। 1935 में अतातुर्क ने अपने मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन प्रोग्राम के परस्यूट में उन्होंने हैया सोफिया को मस्जिद से हटाकर एक म्यूजियम ऐलान कर दिया था। हैया सोफिया के इतिहास में उसके वेरिएबल स्टेटस के बारे में बात करने के पहले मैं एक और टाइमलाइन की बात करना चाहता हूं। बात दरअसल 638 या 638 AD जेरूसलम की है,
रशीदुन कैलिफेट के फौज ने सीज डाला था। स्थिति बिल्कुल होपलेस थी, जेरूसलम का फॉल इमिनेंट था। डिफेंस फोर्सेस को लीड कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्क सोफ्रोनियोस। वे नहीं चाहते थे कि जेरूसलम में लूटपाट हो, तभी उन्होंने टैक्टिकली मैसेज भेजा इन्वेडिंग फोर्सेस को कि वे सरेंडर करना चाहते हैं, परंतु सिर्फ उमर खलीफा को वो जेरूसलम के सिंबॉलिक चाबी पेश करेंगे। इतिहास बताता है उमर खलीफा जब मदीना से जेरूसलम पहुंचे तो सोफ्रोनियोस ने उन्होंने शहर के नजारे देखने को आमंत्रित किया। उमर खलीफा चल पड़े। जब दोनों चर्च ऑफ होली सेपुल्कर के सामने पहुंचे, नमाज का वक्त हो गया था। क्रिश्चियंस मानते हैं चर्च ऑफ होली सेपुल्कर वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट का डेथ, बरियल और रिजरेक्शन हुआ था। खलीफा ने मना कर दिया, अगर मैं यहां नमाज अदा करने जाऊंगा तो मेरे बाद जो आएंगे इस चर्च को मस्जिद बना देंगे और मैं नहीं चाहता हूं ये हो। तो वो चर्च के गेट पर खड़े हुए ऑल्टर की तरफ पीठ रख के एक पत्थर उठाया और उसको फेंका। जहां जाके वो पत्थर गिरा वहां से उन्होंने नमाज अदा की। बाद में वहां एक मस्जिद बन गया और आज भी चर्च और मस्जिद आसपास एग्जिस्ट करते हैं। टाइम मशीन को लगभग 800 साल आगे ले चलते हैं। 1453-54 में सुल्तान मेमे II, उन्होंने ओटोमन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल पर युद्ध किया था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 1930 में ऐसे कॉन्स्टेंटिनोपोल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था। लेकिन सुल्तान मेमे II उमर खलीफा के कदमों पर नहीं चले। उन्होंने हाइया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। कोई तोड़फोड़ नहीं की, परंतु इंटीरियर्स में जो क्रिश्चियन आइकॉन्स थे उनको ढक दिया। फर्श पे भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया ओवर द सेंचुरी। मस्जिद के रूप में हाइया सोफिया, जिसका मतलब होली विजडम है, 1935 तक एग्जिस्ट करता रहा। उसके बाद कमल अतातुर्क के आदेश पर इसको सर्वपंथीय म्यूजियम बना दिया गया। अर्दोवान के डायरेक्शन के बाद हाइया सोफिया में एक्सेस तो सबका रहेगा, उनके शब्दों में ये ऑर्डर निकला था। Turkish authorities will be allowing all to enter Hagia Sophia and the doors will remain open to everyone, local and international, Muslim and non-Muslim. आप पूछेंगे कि अगर एक्सेस हर इंसान को है तो एर्दोगान के फैसले से प्रॉब्लम क्या है? बात सही या क्या अनुचित है उसका नहीं है। इशू यह है, पिछले 85 सालों से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और धर्मों के भी बाकी लोग जब वे वहां जाते थे तो समानता के भाव से जाते थे, उनको एक्सेस कॉमन था। तो मैं ये कह रहा था कि हाइया सोफिया की छवि उसकी इंक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी में थी। कुछ लोग उसको चर्च के तौर पे इमेजिन करते थे और बाकी लोग मस्जिद के तौर पर, और ऐसे लोग भी थे जो और फेथ से थे, उनके लिए ये या तो इतिहास समझने की जगह थी या फिर जहां सुकून मिलता था उनको। एर्दोगान के फैसले के बाद हाइया सोफिया प्राइमरीली मस्जिद में बदल गया है, जहां और धर्म के लोग जा तो सकते हैं लेकिन जब नमाज पढ़ें तब नहीं जा सकते। ये वही स्थिति है जो दिल्ली में जमा मस्जिद में या बाकी और ASI कंट्रोल्ड मस्जिदों की है। लेकिन इतिहास में अर्दोगान जैसे फैसले फाइनल नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं।
अल्टीमेटली क्या शेप लेगी ये डिपेंड करेगा कि तुर्की का फ्यूचर नैरेटिव किस तरह से इवॉल्व करेगा, अर्दोगान कितना पॉलिटिकली पावरफुल रहेंगे। 1453-54 में मस्जिद कन्वर्ट होने के 900 साल पहले हैया सोफिया का निर्माण हुआ था। इससे 300 साल और पहले इस साइट की होलीनेस को डिक्लेयर कर दिया गया था और वहां एक रोमन टेंपल भी एग्जिस्ट करता था। जब हैया सोफिया का निर्माण 6th सेंचुरी एडी में पूरा हुआ था तब ये दुनिया में सबसे बड़ा इंटीरियर स्पेस था। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का इसे प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है हैया सोफिया के पेंडेंटिव डोम्स ने आर्किटेक्चर के इतिहास को ही बदल दिया। 1700 साल के इतिहास में हैया सोफिया हैज फंक्शनड इन three different forms. 1100 years as a place of Christian worship, 500 years as a place of Muslim worship, and almost 100 years as neither. Instead, it was a museum, a secular museum of history and spiritualism. Hindustan ke Muslimanon mein Erdogan ke faisle ko leke matbhed hai. एक तरफ तो पॉलिटिकली एग्रेसिव सेक्शन है जिनका जुबिलेशन सोशल मीडिया में देखने को मिला था। फॉर्चुनेटली कोविड-19 के चलते ये सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और यूफोरिया बाहर सड़कों में या पब्लिक में नहीं आ गया। हिंदुस्तान में दंगे फसाद हम सब जानते हैं ज्यादातर समय ऐसे मुद्दों पर होते हैं जिनका जनता के लाइवलीहुड और देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं दूसरे तरफ अर्दोगान के फैसले का रिस्पांस इन हिंदुस्तान के मुसलमानों में कईयों ने यह भी असर्ट किया है कि यह फैसला गलत है क्योंकि ग्लोबली मुस्लिम विलिफिकेशन के जो फोर्सेस हैं उनको ताकत मिलेगा। मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने फॉर्मली कहा है व्हाइल द वर्ल्ड इज प्रमोटिंग इस्लामोफोबिया विथ वेरियस रूजेस दिस विल बी अ बिग एडिशन वी रिक्वेस्ट द टर्किश गवर्नमेंट टू टेक रेमेडियल स्टेप्स टू प्रिजर्व इट एज इट इज एंड शो द वर्ल्ड देयर लीडरशिप स्किल्स एज अ टॉलरेंट इस्लामिक गवर्नमेंट। JNU के भूतपूर्व छात्र जिनको उनके पॉलिटिकल विचारों की वजह से और उनके रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से टारगेट किया जाता है उमर खालिद, उन्होंने ट्वीट किया, कन्वर्टिंग हैया सोफिया टू अ मॉस्क इन टर्की नीड्स टू बी अपोज्ड बाय ऑल दोज कमिटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्लूरलिज्म। मैंने शुरुआत में ही कहा था हैया सोफिया के मामले में जो डिसीशन लिया गया है वो बहुत मल्टी लेयर्ड है और इसका एनालिसिस बिल्कुल वन डायमेंशनल या यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता है। हम अगर इस डिसीशन को टर्किश नेशनलिज्म का सेलिब्रेशन माने तो ये डेवलपमेंट उचित है। ये भी बहुत लोग कहते हैं कि कई सालों से पब्लिक सेंटिमेंट हैया सोफिया को मस्जिद दोबारा से बनाने की के बारे में पब्लिक सेंटिमेंट गैदर कर रहा था। अर्दोगान और उनके समर्थकों का तो फुल फ्लेजेड एक फुल थ्रोटेड कैंपेन चल रहा था। हिंदुस्तान में भी मेजॉरिटी सेंटिमेंट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के किस तरह से बैलेंस किया जाए इसके बारे में बहस चलती रहती है, चलती आई है पिछले करीब 3 दशकों से। इतिहास को बार बार रीसेट करने की मांग अलग अलग समुदाय के सेक्टेरियन ग्रुप्स अक्सर उठाते रहते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अयोध्या के भिक्षुकों ने एक धरना दिया था और मांग रखी। जिस जगह पर विवादित बाबरी मस्जिद को 1992 में डिमोलिश किया गया वो जगह मूलतः एक
बौद्ध साइट थी। उन्होंने ये मांग रखी कि सरकार यूनेस्को को ये साइट एक्सकवेट करने के लिए डायरेक्ट करे और उसमें सरकारी इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट कुछ ना। ध्यान देने की बात है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में हैया सोफिया पर कोई क्लेम नहीं रखा गया है इस वक्त। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुतों ने अर्दोगान के फैसले को डिसअप्रूव किया है, डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया है। पोप फ्रांसिस ने भी बहुत दुख प्रकट किया है। चाहे टर्की या फिर हिंदुस्तान, इतिहास को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक स्वर्णिम अतीत के रिजरेक्शन का प्रॉमिस वही करते हैं जो कंटेम्पररी चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। मैं सरकारों की बात कर रहा हूं। राष्ट्रवादी सोच और देश पर गर्व बहुत जरूरी है। हम सब देशभक्त, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सुनहरे भविष्य के इंतजार में हम आज के डेफिशिएंसीज और इम्परफेक्शंस के बारे में सवाल उठाना बंद कर दें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।